और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल जो हैं वो एलिवेटेड रोड का काम देखने के लिए यहां पर आए हुए हैं। निगम के तमाम आला अधिकारी यहां मौजूद हैं, जिला कलेक्टर जो हैं। मायरा फैशंस, एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। शांति धारीवाल यहां पर मौके पर मौजूद हैं और जो एलिवेटेड रोड का काम है वो यहां पर देखना है। इंडिया मोटर सर्किल पर कच्ची रोड पे जो जगह है जहां से काम शुरू हो रहा है, उस जगह को इस वक्त यहां पर देखने के लिए आए हुए हैं। और जो मीटिंग अभी हाल ही में ख़त्म हुई है कलेक्ट्रेट के सभागार के अंदर, वहां पर ये फैसला किया गया है कि एलिवेटेड रोड का जो काम है उसकी जो रफ्तार है वो बहुत धीमी गति से चल रही है। और धीमी गति के चलते ही अब ग्राउंड जीरो पर मंत्री शांति धारीवाल यहाँ पर मौके पर इस पूरे काम को देखने के लिए आए हैं और इसको किस तरीके से रफ्तार दी जा सकती है, कितने कम समय में पूरा किया जा सकता है, इसको लेकर यहाँ पर अभी चर्चा विचार विमर्श जो है वो यहाँ पर चल रहा है। अधिकारियों से वार्तालाप यहाँ पर जारी है और उसका हम आपको ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं। जो स्मार्ट सिटी के तहत जिस कंपनी का चयन किया गया था, जिस कंपनी को चुना गया था काम के लिए, वो कंपनी के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे काम की जो जानकारी है वो यहाँ पर दे रहे हैं। निगम के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। सर, आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेकर मीटिंग हुई है, आज क्या क्या रहा? देखिए, मीटिंग में रिव्यू किया है सारा, लेकिन जितना समय गुजर गया और जितना काम होना चाहिए था उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। मोटे तौर पर पिछली गवर्नमेंट के टाइम पर जो स्लो प्रोग्रेस हुई, उस प्रोग्रेस को किसी तरीके से हम जो है वो बढ़ाना चाहते हैं कि किस प्रकार से। ये स्मार्ट सिटी के चेयरमैन देथा साहब जो हैं वो मेरे साथ हैं। कई काम हमने ये तय किए हैं कि कई जो ऐसे काम ले लिए गए जिनसे कोई जनता का जुड़ाव नहीं है, जनता को जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, उनको ड्रॉप किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और नए काम आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जिससे सीधा सीधा जनता लाभान्वित होगी। मिसाल के तौर पर श्रीनगर से लेकर के तोपोड़ा स्कूल तक जो 1.5 किलोमीटर का मार्ग है उसको एलिवेटेड बनाया जाएगा। उसको एलिवेटेड बनाने के लिए डीपीआर बनाने के लिए आज तय किया गया है और मैं ये समझता हूँ कि उससे काफ़ी कुछ ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल होगा, काफ़ी कंजेशन दूर होगा उससे। इसी तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइज्ड सुविधाएं देने के लिए टिपर, जैसे टिपर खरीद करके देना, सीवर जेटिंग मशीन्स हैं और भी कई चीज़ें हैं सीन जो सफाई के काम में आती हैं, उनको भरपूर जो है सफाई के कामों की मशीनरी को प्रोवाइड करवाने का भी प्रोविज़न इसमें डाला गया है। सीवर कनेक्शंस के बाबत आना सागर में आज जितने भी नाले गिरते हैं उन सबको चैनलाइज किया जाएगा, चैनलाइज करके उनको एसटीपी तक पहुंचाया जाएगा ताकि पानी शुद्ध हो सके। तो आना सागर जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री करने का इरादा है कि वो किसी गंदा पानी उसमें आना सागर में नहीं जाए। और सीवर कनेक्शंस जो हैं, सीवर के जो प्रॉपर्टी कनेक्शंस हैं वो करीब करीब 16,000-35,000 तो हो चुके हैं, 16,000 का और प्रोविज़न रखा है। और इसके अलावा भी और दूसरी डीपीआर बनेगी जिससे मैं ये समझता हूँ कि अजमेर शहर के 90% मकान जो हैं वो सीवर से जुड़ेंगे। इसी तरीके से जेएलएन हॉस्पिटल के लिए जिसमें नई स्मार्ट बिल्डिंग बनेगी, उसमें ओपीडी भी होगा और ओपीडी के साथ साथ कुछ बेड्स भी होंगे वगैरह वगैरह, इस तरीके का काफ़ी लंबा चौड़ा प्लान है उसका। उसमें 36 करोड़ रुपया खर्च होगा और उसके साथ साथ ही पार्किंग के लिए भी वहाँ पर 5 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो कुल मिलाकर के 41-42 करोड़ रुपया जो है जेएलएन हॉस्पिटल पर खर्च होने जा रहा है। शहर में जितनी भी पार्किंग है वो 9 पार्किंग्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की हैं, उनमें से जितनी निविदाओं पर जो जिनकी डीपीआर बन रही है वो कम से कम भी 8 पार्किंग इस तरीके की है जिसकी डीपीआर बन रही है। कई तो मल्टी स्टोरी पार्किंग है और कई जगह ग्राउंड पे पार्किंग है, तो उससे भी सारा कंजेशन काफ़ी कुछ दूर होगा। 3 पार्क्स लिए गए हैं, बड़े बड़े पार्क्स हैं, तो उनको पार्कों को जो है वो नए सिरे से बनाया जाएगा। इसी तरीके से अर्बन
अर्बन फॉरेस्ट जो घूगरा घाटी और नाग पहाड़ पर अर्बन फॉरेस्ट के लिए भी 5-6 करोड़ रुपये रखा गया है। अकबरी किला है तथा और भी जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं यहाँ पर जो पुराने हैं, बारादरी है, इनके भी डेवलपमेंट के लिए और रेस्टोरेशन के लिए और इनके कंजर्वेशन के लिए, इनके लिए भी काम किया जाएगा। PhD के द्वारा जो 49 करोड़ रुपये का काम किया जा रहा है, जिसमें वैशाली नागपा ये आपका नागफणी पहाड़गंज और मिस्त्री मोहल्ला जहाँ पर हाई राइज टैंक्स भी बनेंगे और भी जो है सारा पानी का इंतज़ाम किया जाएगा ताकि पानी की प्रॉब्लम जो अजमेर फेस करता है उससे जो है काफ़ी कुछ रिलीफ मिल जाएगा। एंट्री पॉइंट जितने भी हैं, चाहे नसीराबाद की सड़क हो, चाहे ब्यावर की सड़क हो, चाहे आपका इसकी पुष्कर रोड हो, जयपुर रोड हो, इन सब को चौड़ा करने का कहा गया कि 4 लेन 6 लेन जितना ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ी हो सकती है उसके भी प्रोविजन्स इसमें डाले गए हैं। स्टेडियम पे देख लीजिए, स्टेडियम पे भी करोड़ों रुपया खर्च किया जाएगा, शायद कितना करोड़ है, 40 करोड़, 40-41 करोड़ रुपया स्टेडियम पे खर्च होगा ताकि कई तरह की फैसिलिटीज जो है, कई तरह के ग्राउंड्स जो है, वो वॉकिंग ट्रैक वगैरह ये सब तैयार हों। आना सागर के लेक फ्रंट का जो है वो भी वह ब्यूटिफिकेशन होगा और बर्ड पार्क का जो है वो प्रोविज़न रखा गया है। सॉलिड वेस्ट और बायो माइनिंग इसका भी प्रोविज़न रखा गया है। तो मैं ये समझ करके चलता हूँ कि इसको गेयरअप करने के लिए कि काम जल्दी से जल्दी हो, वक्त पर काम हो और काम ऐसे हो जिससे कि जनता को सीधा सीधा रिलीफ मिल सके और जयपुर अजमेर शहर जो है वाकई स्मार्ट सिटी का रूप ले सके, इस दिशा पर जो है अब वो काम स्टार्ट किया गया है। चेयरमैन हैं, सब चीज़ टाइम बाउंड है, जितना डिले हो चुका वो हो चुका। अब चेयरमैन साहब बराबर यहाँ पर आते रहेंगे और चेयरमैन साहब बराबर देखते रहेंगे इसको और देख करके जो, क्योंकि आज ये सब फाइनल कर दिया। 15 शहर का उससे कई बार जाम हो रहा है, ये कब तक एलिवेटेड रोड कब तक तैयार, इसकी प्रोग्रेस अभी देखते हैं। अभी जो बन रहा है वो उसकी प्रोग्रेस से हम सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन उसको जा करके अभी देख रहे हैं, सबसे पहले वहीं जा रहे हैं तो वो देखेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, किस तरीके का क्या है। कोई RSRTC को दे रखा है वो काम। स्मार्ट सिटी के जो पहले ही काम है उनका सोशल ऑडिट, स्मार्ट सिटी में जो पहले काम हो गए उनका सोशल ऑडिट, वो जो काम हो गए उनका सोशल ऑडिट की तो बात बाद में आएगी, लेकिन अभी हमारा पूरा स्ट्रेच जो है, पूरा जो फोकस है वो नए काम स्टार्ट करके उनको वक्त पर काम चालू करने का है। सोशल ऑडिट अगर होना है तो सिर्फ एक एक दो दो काम का नहीं होता, सोशल ऑडिट टोटलिटी में होता है, वो बात की बात है। सर कौन से काम ड्रॉप, छोटे छोटे कई काम है ऐसे हैं जिनको ड्रॉप किया जाएगा। म्यूजिकल फाउंटेन की कॉस्टिंग ज्यादा हो रखी है, म्यूजिकल फाउंटेन के लिए शायद 20 करोड़, उसकी आवश्यकता नहीं, 5 करोड़ ही नहीं है, मतलब सेविंग निकालेंगे हम सर के द्वारा। बहुत सी जगह सीवेज लाइन भी नहीं डली अभी तक, वो डाल रहे हैं सर, इसमें 100 करोड़ से ज्यादा ले रहे हैं। मैंने कहा ना आपसे कि 90% मकान अजमेर के सीवर लाइन से जुड़ेंगे, उनके बिल भी आ रहे हैं जैसे सिवरेज लाइन नहीं दल, तो कह रहा अलग प्रॉब्लम है सर। आपने लेफ्ट नहीं हो रहा पैसा, लेफ्ट की नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ प्रोग्रेस कमजोर। तो इसमें मैं आप कह रहा हूँ ना कि जब से स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई है तब से लेकर के आज तक जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो उस प्रोग्रेस से हम सेटिस्फाई नहीं है। अब हमने जो है इस काम को हाथ में लिया है, चेयरमैन साहब बराबर यहाँ पर आते रहेंगे, देखते रहेंगे और काम करवाते रहेंगे, सब टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया है सारा का सारा। कुछ अधिकारियों को जिम्मेदारी तय की, जिम्मेदारी क्या देखेंगे अब, अभी तक की तो क्या जिम्मेदारी तय करेंगे, लेकिन आगे आने वाले कामों की जिम्मेदारी तय करेंगे। अब देखना आप चालू किया है तो आप कहोगे जिस रोज आरोप लग रहे हैं कि उस समय